हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में हिंदी वर्णमाला के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। इस क्लास को देखने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे हिंदी वर्णमाला के। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम एजुकेशन बिसाही, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ज्वाइन हो जाइए। मॉर्निंग वाली क्लास नहीं देखे हो, 9 AM वाली क्लास, तो उस क्लास को जाके जरूर देख लेना। डेली क्लासेस के टाइमिंग आपको मैं बता दे रहा हूँ। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास चलती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम 6:30 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं। मॉर्निंग में GKGS, दोपहर में आपकी जो चलती है हिंदी की, और इसमें सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आज की नई क्लास में। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें बताइए। कैसे नोट करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और इसका भी मैं थोड़ा सा और निचोड़ दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग उसकी नोट्स बना लेना। तो देखिए, स्त्रीलिंग जो वर्ण होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, छोटी ई और बड़ी ई और यहाँ पे ऋषि। ये आपका स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। तो इनको नोट कर लीजिए, स्त्रीलिंग वर्ण आपके होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ये तीनों होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है तो ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, बताइए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें का वर्ग की, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से होता है, ठीक है ना। किससे होता है? कंठ से। लिख भी लीजिए आप लोग, यहाँ पे कंठ से होता है। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है, इसको नोट करिए। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन से होता है, और यहाँ पे ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, और यहाँ पे पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ट से होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो का मैंने अभी क्या बताया, का हो जाएगा, खा हो जाएगा, गा हो जाएगा, घा हो जाएगा। तो इनके उच्चारण स्थान किससे होते हैं? कंठ से होते हैं। अब यहाँ पे छा की बात करेंगे। छा जो है चा वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण इसका जो है तालु से ही होगा, ठीक है ना। तो दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माँ का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, डा का किससे हो जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, और ये सा को भी नोट कर लेना, ये वाले 7 तीनों। जैसे इसका उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है, इसका तालु से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है, ठीक है। जो पॉइंट मैं अलग से आपको बताता हूँ, इनको भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और उच्चारण स्थान से जैसे अगर इसका पूछ ले, ए और ए का पूछ ले, तो इसके उच्चारण स्थान कंठ तालब्य से होते हैं। किससे होते हैं? कंठ तालब्य से होते हैं, इसको नोट करिए, ठीक है। और इसको नोट करने के बाद आप और उच्चारण स्थान के नोट कर लीजिए। जैसे पूछ ले, ओ और औ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ से। किससे होता है? कंठोष्ठ से। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है डियर, एक भी पॉइंट मिस ना करना आप लोग, ठीक है ना। आपसे पूछे या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैसे जैसे आता आ जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। लुंठित ध्वनि कौन सा है इसमें? लुंठित ध्वनि फटाफट बताइए भाई, लुंठित ध्वनि कौन सी है इसमें? बहुत अच्छे, लुंठित का जो अर्थ होता है जीभ का आगे से मुड़ना, ठीक है ना। लुंठित का अन्य नाम भी होता है, जैसे प्रकंपित हो गया, कंपन जात हो गया इसको। तो लुंठित ध्वनि आपका रा होता है केवल, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, लुंठित ध्वनि रा आपका होता है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है इसमें? तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं पा से। पा तो आपका ओष्ठ होगा, 100% सही है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है भाई? 25 होती है। कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक में जो आते हैं वर्ण आपके, वो सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे पा भी स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अल्प प्राण दिया है, तो अल्प प्राण कौन कौन सा होता है? 135, मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका जो होता है वो अल्प प्राण होता है। मतलब अगर हम का वर्ग की बात करें, तो का में का हो जाएगा, और गा हो जाएगा, और घा हो जाएगा, ये आपके क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है ना। अघोष क्या होता है? अघोष का मतलब होता है पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, मतलब
का और खा, अगर हम चा वर्गी की बात करें तो चा हो जाएगा तो और छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अघोष आपका पावी है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ही ध्वनि का दित हो जाने पर वो क्या कहलाती है, एक ही ध्वनि का दित हो जाने पर वो क्या कहलाती है, फाइव को जवाब दीजिए फटाफट। युग्मक कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, युग्मक। या किस प्रकार की ध्वनि है, या जो है किस प्रकार की ध्वनि है, फटाफट आंसर करिए भाई सब लोग। इससे बढ़िया क्लास और इससे बढ़िया जो मैटर है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बीएड प्रवेश परीक्षा की स्पेशल अगर मैं बात करूँ तो। या का उच्चारण स्थान होता है तालब्य से होता है, ठीक है ना, किससे होता है, तालब्य से होता है, इचू यशानाम तालु, ठीक है ना। जैसे छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, और चा वर्ग हो गया आपका, और या हो गया, और सा हो गया, इनके उच्चारण स्थान जो होते हैं वो तालब्य से होते हैं। तो सिक्स का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से जो वा होता है वो क्या होता है, ओष्ठ्य होता है, दंतोष्ठय होता है, या कंठ तालब्य होता है, या कंठोष्ठय होता है। सेवन का जवाब दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, वा का उच्चारण स्थान किससे होता है, दंतोष्ठय से होता है, किससे होता है भाई, दंतोष्ठय से होता है, ठीक है ना। वा का उच्चारण स्थान नोट कर लीजिए अलग से, वा का उच्चारण स्थान किससे होता है, दंतोष्ठय से होता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइए, स्वरों की संख्या बताइए, अठवा का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अन और आहा आपके जो हैं नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो आयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं, आयोग वाह होते हैं, अन और आहा, ठीक है ना, अन और आहा पूछे तो आयोग वाह होते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, और व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33, स्वरों की संख्या 11, मात्राओं की संख्या 10। चलिए, ए के उच्चारण में डॉट डॉट और किसकी सहायता ली जाती है, ए के उच्चारण में, अभी मैंने बताया था ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था ना, पॉइंट आप लोग, पॉइंट में अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग कर लिए होंगे। तो यहाँ पे कंठ तालु से होता है, ठीक है ना, ए और ए का। चलिए, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तालब्य में आती हैं, तुरंत। उच्चारण स्थान से समझ लीजिए कि 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो उच्चारण स्थान अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे एक दिन में एक टॉपिक में आपको करवा रहा हूँ, तो एक दिन में आप लोग फिर जैसे नोट्स बना लिए, उसको रिवीजन भी कर लिया करो अच्छे से, और डेली मतलब अपनी नोट्स बना लीजिए, उसको देखते रहिया करिए। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो देखिए तीन आपके होते हैं, छोटी ई और बड़ी ई और ऋषि, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं, तो यही आपका पुल्लिंग नहीं है। तो 11 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं क्या, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं स्वर, ठीक है ना, इनको किसी की भी सहायता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और व्यंजनों के उच्चारण में जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की। चलिए, ये किसका संधि विग्रह है, विग्रह किसका है, ये 13 का जवाब दीजिए, दक्ष का है, किसका है, दक्ष का। अगला प्रश्न, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान और ये और वर्ग है किसका, 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये टा वर्ग का चौथा जो है वर्ग है, ठीक है ना, टा ठा डा ढा। अगला प्रश्न, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, और मॉर्निंग वाली क्लास भी देख लेना, आज से जबरदस्त क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में हस्व स्वरों की संख्या कितनी है, हस्व स्वरों की बताइए सब लोग भाई, हस्व स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में हस्व स्वरों की संख्या कितनी है, फटाफट आंसर करेंगे। हस्व स्वर पूछे तो कितनी होगी संख्या, बताइए सब लोग, सात होगी, ठीक है ना, कितनी होगी, सात। कौन कौन से होते हैं हस्व स्वर आपके, जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, और बड़ा ऊ हो गया आपका, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना आप लोग, औ हो गया, तो ये आपके हस्व स्वर होते हैं। हस्व स्वर को गुरु स्वर, संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना।
16 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलें। सॉरी यहाँ पे हर्ष स्वर पूछा था मैंने आपको, क्या बता दिया मैंने आपको, बता दिया दीर्घ स्वर। सॉरी यहाँ पे हर्ष स्वर जो आपके होते हैं हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैंने आपको वहाँ पे गलती से बता दिया दीर्घ स्वर, ठीक है ना। हर्ष स्वर आपके जो होते हैं छोटा आ, छोटी ई और यहाँ पे छोटा ओ हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा, ये आपके होते हैं हर्ष स्वर। वो मैंने आपको दीर्घ स्वर बता दिया। उसके बाद आपके होते हैं प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है ना। चलिए संयुक्त दीर्घ स्वर पूछे तो ए ए ओ अ होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो 7 होती है, ठीक है ना। चलिए हस्त स्वर 4 हो जाएगा। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, बताइए। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। अभी मैंने बताया ना अन और आह, ये आपके आयोग वाह होते हैं, ठीक है। चलिए उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, एक भी प्रश्न आपसे छूट नहीं चाहिए। तो संप्रक्त ध्वनि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वो आपका प्लुत हो जाएगा, हर्ष दीर्घ प्लुत, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी होती है संख्या, 25 होती है, का वर्ग से पा वर्ग तक, ठीक है ना। चलिए स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया ना इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ तालव्य से होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो का के बाद जो दिखाई देता है छा दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एक विश्वास के साथ जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी, जो टॉपिक मैं करवाऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास ज़रूर देख के जाना आप लोग। भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, भाषा की जो है सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका तो किससे हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा, इसका ओष्ठ से हो जाएगा, इसका बताइए अकुह विसर्जनीयाम कंठा। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, देखिए जो पंचम अक्षर होते हैं जैसे का में ये आपका हो जाएगा अंगा, तो ये सब क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं जो पंचम होते हैं, तो मा आपका हो जाएगा इसमें। 25 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष, तो ये आपका गा जो आपका है वो आपका घोष है, ठीक है। चलिए ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, ला और सा का, तो सा का पता ही है आपको दंत से, तो ये भी ला का भी हो जाएगा दंत से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो ये ग्रीवा ध्वनि आपकी नहीं है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से है, तो चा वर्ग में आपका ये आता है ना, तो ये इसका उच्चारण स्थान तालव्य से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आयोगवाह। आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अन और आह, ठीक है ना। चलिए स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, टोटल 2 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है वो किससे होता है, स्वरों का उच्चारण किससे होता है, बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का जो है वर्गीकरण नहीं है, द्वित आपका नहीं है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है,
तो ये नहीं है, सघोष। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष आपका होता है एक मात्रिक, और आपका जो दीर्घ होता है वो द्विमात्रिक होता है, और त्रिमात्रिक आपका होता है प्लुत। तो 36 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर को गुरु स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री के कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? काकल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को बताइए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? का धन सा के वर्णों के मेल से बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है ये देखिए, आपके जो संयुक्त वर्ण होते हैं इनको नोट कर लीजिए अलग से। संयुक्त व्यंजन पूछे तो चार होते हैं, कौन कौन से आपके होते हैं इधर नोट कर लीजिए। छा होता है, त्रा होता है, और यहाँ पे आपका ज्ञा होता है, और यहाँ पे आपका स्रा होता है। ये किन से मिलकर बने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका जो छा होता है ये का धन सा से मिलकर बना होता है, हलंत लगा होना चाहिए। और ये त्रा जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ता धन रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा जा धन इया से मिलकर बना होता है। स्रा सा धन रा से मिलकर बना होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठे हो तो नोट कर लो। संयुक्त व्यंजन है ये आपके, ठीक है, चार संख्या होती है इनकी, छात्रा ज्ञा स्रा। चलिए, जैसे ये पूछा था ना छावरण किन दो वर्ण को मिल से बनता है, तो का धन सा। संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर। अब यहाँ पे संयुक्त स्वर पूछ लिया, बताइए संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर भी चार होता है, ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। तो यहाँ पे औ आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? 41 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे खा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कंठ तालब्य कौन सा है? कंठ तालब्य ए और ए आपका कंठ तालब है। सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ग है वो कौन सा है? महाप्राण वाला। देखिए अल्पप्राण महाप्राण और अघोष सघोष ये जो है मैं अभी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा पूरा अच्छे से बना के, उसको आप लोग नोट्स में नोट कर लेना अपने और अच्छे से समझ लेना। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला जो आपका है इसमें वो आपका है ये खा छा ठा। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ट ध्वनि वाह है, ऑप्शन बी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? का चा पा दा, इसी वर्ग में आते हैं सभी स्पर्श व्यंजन। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अर्धविवृत स्वर ए आपका जो है अर्धविवृत स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं? 48 का जवाब दीजिए सब लोग। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो वे हैं आपके निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतःस्थ और उसमें जो वर्ण है वो कितने हैं? 8 होते हैं। अंतःस्थ आपका या रा ला वा, ये आपके अंतःस्थ होते हैं, और ये तीनों सा और हा ये आपके उसमें होते हैं। तो चार चार आपके 8 हो गए, ठीक है। चलिए रा का विवरण है, रा का विवरण तो वर्ष लुंठित सघोष अल्पवर्ण व्यंजन आपके हो जाएंगे। काकल्य वर्ण कौन सा है? दो तीन और एक्स्ट्रा में ले लिया हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। काकल्य वर्ण आपका हा होता है, ठीक है। या का उच्चारण स्थान दो बार रिपीट हो गया है तो इसका उच्चारण तालु से होता है, इचु यशा नाम तालु। या आप लोगों के लिए होमवर्क है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वहाँ प्राण है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। आप हमें सोशल मीडिया पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो।
बाकी डेली क्लासेस का टाइम ही आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया है, डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लासेस चलती है, दोपहर में 2:30 बजे, शाम 6:30 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं। तो अभी कभी सब्सक्राइब करिए इस चैनल से, आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।